मैं इस समय बिहार की राजधानी पटना में हूँ। जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो इस देश के हर शहर की सच्चाई है। सफाई कर्मचारियों को बसाया जाता है, खासकर जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, लेकिन उनके हिस्से में गंदगी, लाचारी, बेबसी आता है। इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले इस देश में जो निजीकरण हुआ जिस नौकरी का, वो था सफाई कर्मचारियों की नौकरी, और वो एडहॉक पे रहने लगे। उसका नतीजा ये हुआ कि उनके बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जाने लगे और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो सफाई कर्मचारी बनने को मजबूर है। देश के हर शहर में, हर गांव में इनकी आबादी इतनी ही मिलेगी और इनकी हालत ऐसी ही मिलेगी। आखिर क्या कारण है? अब मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, मैं इस समय पटना में हूँ और ये इनकी ज़िंदगी है। आप देखिए, जहाँ गंदगी है चारों तरफ आपको दिखाएंगे, गंदगी है, तमाम तकलीफ है, और इनकी एक अपनी ज़िंदगी है जिसमें सरकारी नौकरी होती थी लेकिन अब जो है उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? गोपाल। क्या करते हैं गोपाल? रिक्शा चलाते हैं। तो आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ। अच्छा, तो कोई आता जाता है, कोई मदद करते हैं आप लोग? सब आता है, रोड से आ जाता है, देखता है, ध्यान कोई नहीं देता है। देख रहे हैं, दो हफ्ता से बालू ऐसे ही जस के तस पड़ा हुआ है। देखिए, कुछ महिलाएं हैं जो हंस रही हैं, हम चाहेंगे कि उनसे बात करें। उनकी ज़िंदगी ऐसी होती है, पानी की यही स्थिति है और इनसे बात करना बहुत मुश्किल है। हैं, आप बात करेंगी बहन जी? हैं, काहे डर रही हैं? हैं, कोई मदद मिलती है आप लोगों को सरकार से कि नहीं? कोई मदद नहीं मिलता। तो इधर आइए ना। हैं, सब्जी खाने का आफत आ गया है, सब्जी 100 रुपये किलो दे रहा है। गरीब आदमी खा रहा है, वीडियो बनाने आता है। अब तो वही तो बात हम बोल रहे हैं सर, कि खाली कैमरा हो रहा है, अब कुछ ना गरीब के लेना है ना देना है, फूट पर रह रहा है सब, ना राशन कार्ड है ना कुछ है। लेडीज सब चल चल को औरत कट गया है, रात में कट गया मर्दाना। एक बात बताइए, पहले जो रुकिए ना, पहले जो नौकरी थी सफाई वाला पक्का, वो पक्का नौकरी मिल रही है या वो भी खत्म हो रहा है? नहीं सर, टेम्पोरोजियो पर तो कर रहे हैं, जब वो भी तो नहीं दे रहा है नौकरी, कहाँ दे रहा है? इतना एक का घर में सारा भूख के प्यास से मर रहा है, कितना करेगा? चोरी करे जाएगा तो फंसबे करेगा, बदमाशी करेगा तो फंसबे करेगा, क्या चीज करके गरीब आदमी? आपका क्या नाम है? अविनाश। अविनाश, स्कूल जाते हैं आप? कुछ नहीं है, स्कूल नहीं जाते, कुछ नहीं है, खुल्ला है, लिए नहीं है। इधर आओ ना, भाग क्यों रहे हो? आपका क्या नाम है? अबर सर, सरकार बनाना चाहते हैं? अबर सरकार, हाँ, आपके तेजस्वी यादव को बुलाना जरूरी है। अपनी छूटल बा, क्या हुआ था लालू के राज में? अरे लालुए के राज में ना हम लोग घर में रह रहे हैं, लालुए के राज में ना हम लोग झोपड़ी में हैं, वही तो इंसान है कि झोपड़ी के छोड़े हुए हैं। नीतीश जी का 15 खाली रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, पुल बन रहा है, जवान जवान जिसका बेटी है ना 10-20 हजार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बन रहा है, रोड और पुल। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं। कहाँ कुछ हो रहा है गरीब के लिए, कहाँ कुछ हो रहा है? गरीब से भूखे मर रहा था, वन लोग में भूखे मर रहा था, कहाँ कुछ किया इस देश में? अरे रुको भाई, इस देश में सबसे पहले सफाई कर्मचारियों की नौकरी गई थी और इनके बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राहुल कुमार। राहुल क्या करते हैं? राहुल लाइन पर जाएगा। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? बैठे दिन भर काम न धाम, क्या कर रहे हैं? स्कूल गए, पढ़ाई लिखाई कुछ किए? बाप तो मेरा पढ़ने नहीं था, बेटा कहाँ से पढ़ेगा? क्या चाहते हैं आप, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? हाँ, बच्चे तो पढ़ाएंगे, बाप नहीं पढ़ रहा था, बेटा तो बाप जाए तो पढ़ाई भी करेगा। आपका क्या नाम है? नाम है सूरज कुमार। सूरज कुमार, आप भी स्कूल नहीं जाते? नहीं, अब स्कूल नहीं जाते। और आपका क्या नाम है? आप क्या करती हैं? तो ये लोकल लोग हैं, ये वोकल नहीं है, ये अपनी राजनीति नहीं जानते हैं, इसलिए इनकी हालत है ये, और पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब रहने के लिए मजबूर हैं। इनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। लालू यादव आज इसीलिए जेल में है कि उन्होंने पहली बार इन लोगों की मदद, लालू यादव से मदद मिली थी? सही सही बताइए ना। नहीं मिली थी भैया, ये तो कहा राज में हम लोग का मकान उन्हीं का देवल है कि आज हम लोग का पूरा व्यवस्था सही था। आज जब जब से नीतीश कुमार बैठे, कोई व्यवस्था गरीब का नहीं कौन लाया, कुछ नहीं लाया। अच्छा, नौकरी
नौकरी प्राइवेट वाला मिल रहा है कि नहीं? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, कोई क्यों नहीं है। हम लोग हमने वोट, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले वाल्मीकि समाज को सफाई वाली नौकरी परमानेंट सरकारी मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा। नहीं मिला, कुछ नहीं, कुछ नहीं, प्राइवेट कमाते हैं, प्राइवेट खाते हैं हम लोग, वो भी ठेका पर कर दिया। कुछ नहीं, कुछ कोई नहीं, तभी अभी नहीं देता, 6 महीना कमाता है, पैसा लेकर भाग जाता है। आप इन गली मोहल्ले में जाके आइए, थोड़ा सा आइए तो तारा आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा हम कहीं नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, मैं गली दिखाना चाहता हूँ कि कैसे जिंदगी है। ये देखिए, ये जिंदगी है, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, चलते रहिए आप आगे। ये जिंदगी है इनकी, और ये हर शहर में आप देखेंगे, और ये बहुजन समाज के ही लोग हैं, इनकी मजबूरी है, लाचारी है, बेबसी है। आप इनकी जिंदगी कभी चखिए, आप कभी इनकी जिंदगी चखिए, आप एक दिन नहीं रह सकते इन गली मोहल्ले में। और ऐसे ही अपनी जिंदगी जीते हैं, इनकी हालत यही है, एक एक कमरे में सारी जिंदगी करती है, और कोई इनकी सूद लेने वाला नहीं, सब कुछ जाति की वजह से है। एससी एसटी ओबीसी और एससी समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, और ये इस तरह से अपनी जिंदगी हर शहर में आपको, चलिए तारा, हर शहर में आपको इस तरह से लोग मिलेंगे जिनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। चुनाव के बहाने हमारे आप जैसे लोग आते हैं, इनसे बात कर लेते हैं, लेकिन इनको कुछ मिलता नहीं है, कोई मदद। हाँ, कुछ मदद क्या, आगे चलिए, कुछ मदद मिली आप लोग को? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हम लोग के, कुछ नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि घर द्वार बढ़िया से बना दीजिए, और बढ़िया से कमाए खाए, काम धंधा दराइए, नौकरी नहीं मिलता, नौकरी राशन कार्ड बनता नहीं थे, राशन कार्ड भी नहीं मिल रहा ना, कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, लॉकडाउन में तो और जिंदगी मुश्किल हो गई होगी, तब ना पेंशन मिल रहा था हमने के, बताइए नहीं दिया जाता है, बताइए। अच्छा एक बात बताइए ना, पहले तो कम से कम सफाई वाली नौकरी पक्की होती थी, अब वो भी नहीं, नहीं होती है, कुछ नहीं, वो भी प्राइवेट, मतलब कितना दे रहा है ठेकेदार के यहाँ करते हैं तो कितना देता है? अरे बहुत देता है, 8,000 से 7,000 रुपया देता है। अच्छा, उससे ज्यादा नहीं। हम लोग के, मेरे पिताजी के नौकरी है, उसको बाद केस करते हैं तब बोलता है, 10 बरस हो गया हमको बुलाओ, कागज लिया, वो लिया, बंद कर दिया हमको। इस देश में तारा दिखाइए, इस देश में सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने सफाई कर्मचारियों की नौकरी जो है वो प्राइवेट कर दिया था। सबसे पहले प्राइवेट किया गया ताकि जो सफाई कर्मचारी है उसके बच्चे कभी स्कूल कॉलेज नहीं जा सके, एसपी डीएम नहीं बन सके, और नतीजा यह है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब रहती है। तमाम पूरे देश के मोहल्ले में यही हालत है, ये कोई पटना की बात नहीं है, ये मैं सिर्फ पटना की बात नहीं कह रहा हूँ, और इसकी वजह सिर्फ जाति है, जाति के रूप से जिस तरह से इन लोगों को प्रताड़ित किया गया है। क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका, मतलब कुछ काम धाम, क्या काम धाम चल रहा है? सब काम धाम चल रहा है, सब बंद है, नहीं ऐसा तो नहीं है, स्कूल नहीं बनल है, बच्चे के लिए स्कूल। अच्छा, इस मोहल्ले में कोई बच्चा सब स्कूल जाता है कि नहीं? आए बच्चा लोग ऐसे घूमेगा ना, इसको स्कूल बनल है ना, कुछ बनल है, सरकार ऑफर देगा तो ना बच्चा लोग स्कूल जाएगा पढ़ने के लिए। अच्छा, जो सुविधा नहीं है ना, आगे की सुविधा है ना, अति करने का सुविधा है, खाली सरकार बन गया अपने से सरकार कला जाएगा, बताइए सर। टॉयलेट भी नहीं है? टॉयलेट नहीं है। अच्छा, आप लोग को अगर सरकार कहे कि आप लोग को क्या चाहिए तो क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे, भूख के लिए रोटी ना मांगेगा इंसान, और क्या मांगेगा, बच्चा का स्कूल जाने के लिए अभी मांगेगा बस। तो देखिए किस तरह से वाल्मीकि समाज के लोग हैं, और हर शहर में आपको मिलेंगे, इनको बसाया गया, शोषण किया गया, ये मतलब इनको बसाया जाता है कि सफाई कर्मचारी के तौर पे, और पूरे देश में, और कोई इसकी बात नहीं करता है। लालू यादव ने काफ़ी आंदोलन चलाया था, उन्होंने घर दिए थे लोगों को, उसके बाद फिर से थम सा गया है, शहर चकाचक हो रहा है, कोई मेट्रो बना रहा है, कोई पुल बना रहा है, लेकिन एक बड़ी आबादी जो है जाति की वजह से कोई इनसे बात नहीं करता है। कभी एक ज़माना था जब इनका कोई छुआ पानी नहीं पीता था, आज भी इनके साथ वही व्यवहार है, ये अलग थलग पड़े हुए हैं समाज में, इनके बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते हैं। इक्का दुक्का ऐसा कोई मिलेगा वाल्मीकि समाज के लोग जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से पहुंचते हैं, जरूरत है कि इनके पढ़ाई लिखाई, आप लोग भी स्कूल नहीं जाते हैं ना? नहीं, लॉकडाउन में क्या करें, स्कूल नहीं है। हम महंगाई में कितना बढ़ गया, 50 रुपये किलो आलू हो गया, 80 रुपये किलो प्याज हो गया, आलू कौन देगा, 100 रुपये किलो प्याज हो गया, बोला नेता के कौन नेता जीते वाला है, ये बार लालू यादव का बेटा जीतेगा, जीत के दिखाएगा। लालू से क्या फायदा है? लालू के, लालू हम लोग घर बना दिया है,
वो काम ना है नीतीश कुमार कह रहा है कि सब लालू कह रहा है कि सब लालू ज्यादा भ्रष्टाचारी है लालू ज्यादा भ्रष्टाचारी घर बनाए हुए हमारा माँ बहन के रक्षा दिए हुए आई कौची दिया नीतीश कुमार खाली पिता निकालता है रोड बनाता है नाली बनाता है पुल बनाता है बात समझिए इनकी बात को समझिए किस तरह की हालत समझते हैं ये बार नहीं जीतेगा नीतीश कुमार ये बार लालू के बेटा के लाना है हम लोग के तब बाद में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेगा तो आप लोग को सरकारी नौकरी अब नहीं मिल रही है बाथरूम को चाहिए दो तल्ला के एक तल्ला नहीं दो तल्ला के बाथरूम चाहिए हमरा कल चाहिए हमको बस बड़ी संख्या इस देश में जिस तरह से शहर में ठीक है तो ये युवा हैं और हो गया मैं समझ गया ये जिंदगी है इनकी और दूर तक आपके कैमरामैन दिखाएंगे देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं अगर तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं मासूम बच्चे हैं इनके लिए स्कूल भेजने की जरूरत है ये वो तमाम बच्चे हैं ये वो तमाम बच्चे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाति की वजह से प्रताड़ित किए गए कभी इनके साथ छुआछूत होता था इनको शहरों में बसाया गया इनके माता पिता को पहले नौकरी मिलती थी वो नौकरी भी चली गई और इनकी नियति बना दी गई है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी ही रहेंगे न इनके लिए कोई स्कूल है न अस्पताल है कोई फ्यूचर नहीं है और हम सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं हम सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और समझिए इनकी गलती नहीं है ये जो शोर मचा रहे ये जो हंगामा कर रहे हैं इनकी गलती नहीं है इनको समाज से दूर रखा गया है सिविलाइजेशन से दूर रखा गया है इनको स्कूल नहीं जाने दिया गया पढ़ने लिखने नहीं दिया गया लाचार है बेबस है गरीबी इनकी जिंदगी बनी हुई है और इसलिए इनको कुछ नहीं पता है लालू यादव एकमात्र मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इनके लिए कुछ किया और वो ये बता भी रहे हैं इस देश में जरूरत है कि जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इनकी स्थिति नहीं खत्म हो सकती है और इस देश में सबसे पहले सफाई कर्मचारियों की नौकरी ली गई उनका निजीकरण किया गया उनको नौकरियाँ उनकी खत्म हो गई और इसलिए किया गया कि जो सफाई कर्मचारी है वो जितना कमाए उतना खत्म हो जाए और वो पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी ही रहे और इसी का नतीजा है कि तमाम SC ST के जो लोग हैं वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी बनने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनको पैसा ही इतना दिया जाता है कि वो खाने कमाने में ज़िंदगी कट जाए स्कूल कॉलेज बाकी की सुविधाएं उनको पता ही नहीं चलने दिया जाता है इसीलिए इस तरह से ये हंसते हैं हंगामा करते हैं इनको कुछ पता ही नहीं चलने जाता है शहर में एक किनारे पर इनका घर होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब और लाचार है शायद इस देश से जब जातिवाद खत्म होगा और इनको अधिकार मिलेगा ये वो लोग हैं जो इस देश के मूल निवासी हैं कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक पटना नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें।